Hello, Mr. Saxena. Hello, sir. How do you do? Fine, sir. Thank you. Please be seated. Sit down. Mr. Saxena, आपका रेजिग्नेशन लेटर तो हम तक पहुंच गया है, लेकिन खैर उसकी बात बाद में देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको एक मशवरा लेने के लिए बुलवाया है। फरमाइए सर। मिस्टर सक्सेना, क्या आप किसी ऐसे काबिल इंसान को जानते हैं जो ऑटोनॉमी की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद उसे बाखूबी निभा सके? वो इंसान मेहनती होना चाहिए, अपने काम के प्रति ईमानदार, और जिसके दिल में एक लगन हो। सर, ऑफेंड तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मेरी नजर में एक ऐसा आदमी है और उसका नाम है मिस्टर राजीव सक्सेना। सर? यस मिस्टर सक्सेना, एंड वी आर अपॉइंटिंग यू एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द न्यू डिपार्टमेंट व्हिच विल बी डीलिंग विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड इट विल बी कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और मुझे यकीन है कि आप इसमें इनकार नहीं करेंगे। सर, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूं? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया तो हमें आपका कहना चाहिए, आप जैसे काबिल इंसान की हमें सख्त जरूरत है। उन विद्यार्थियों को आपकी जरूरत है जिन्हें यह नहीं मालूम कि आप करना क्या है। उनको सही दिशा दिखाने का नेक काम मिस्टर सक्सेना आपको ही करना है, और उन्हें कामयाबी के सांचे में ढालने की जिम्मेवारी भी आपको ही निभानी पड़ेगी। मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं आएगी सर। आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसे मैं दिलोजान से निभाऊंगा। लेकिन सर, एक गुजारिश है आपसे। कहिए। सर, किसी भी स्कीम को शुरू करने से पहले हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि फंड्स कैसे कलेक्ट किए जाएं। अगर फंड्स का बंदोबस्त नहीं होता है तो स्कीम शुरू होने के पहले ही खत्म हो सकती है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके रास्ते में फंड्स की कोई अड़चन ना आए। और इसके अलावा वाइस चांसलर मिस्टर साइमन है, वो आपको पूरा पूरा सहयोग देंगे। यही नहीं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से सिफारिश करूंगा कि आपके नए डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट फंड्स को एलोकेट कर दिया जाए। ये जो तब्दीली आप लाना चाह रहे हैं ना, मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर सफल होंगे, जरूर सफल। थैंक यू सर, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आई नीड योर ब्लेसिंग्स आल्सो सर। आई विश यू गुड लक एंड गुड स्पीड। थैंक यू सर। अरे बाप रे, इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? क्लास के दौरान दीपा रो मत। क्लास के दौरान क्या? क्लास के दौरान मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाई। सबके सामने मैंने अपने आप को एक मजाक का निशाना बना दिया। पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कोई कुछ नहीं सोचेगा दीपा, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। क्यों उड़ाएंगे मजाक? हम सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं। यही कहकर तो मैं अपने आप को समझाती रहती हूँ, लेकिन तो श्रीकांत का जानता है मुझे। पता नहीं वो माँ के साथ क्या सुलूक कर रहा होगा। शक्ति माँ उसके कब्जे में है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो? पहली बात तो ये कि तुमने उसकी बातों पर यकीन कैसे कर लिया? तुम जानती हो दीपा कितना झूठा आदमी है वो, कितना मक्कार आदमी है। ये भी तो हो सकता है कि माँ उसके कब्जे में ना हो। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें अपनाने के लिए उसने ये नाटक रचाया हो। शक्ति, हमें पता कैसे चले कि सच बोल रहा है या झूठ? For heaven's sake, stop crying first. दीपा, मेरी बात सुनो। जब उसका फोन आएगा तो उसे कहना कि मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है। मां के वहां होने का सबूत मांगो उससे। उसे कहो कि मुझे मां से बात करनी है। अब क्या हुआ दीपा? क्या हुआ बताओ तो सही। अगर वो सबूत दे दे तो? अगर वो सबूत दे दे तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। फिर
हाँ मैं। दीपा तुमने सुना होगा ना कि 4 साल पहले मैं कितना बुरा आदमी था। अगर मां को ढूंढने के लिए, उन्हें बचाने के लिए मुझे वो इतिहास दोहराना पड़ा ना, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा दीपा, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा।